अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? ठीक है। तो यार आज सुबह सुबह पहले तो मैंने जाना था भाई ब्रेकफास्ट करने, बट वो मैं लेट उठा इस वजह से वो सीन तो रह गया। लेकिन अभी मैं और अब्दुल्ला जा रहे हैं अपनी ये बाइक सही कराने, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं बाइक की हालत फुल टाइट हुई है। ठीक है, इतने टाइम से अब्दुल्ला भाई सिर्फ चला रहे हैं, सही नहीं करा रहे। तो क्या नाचो भाई? मैंने सोचा क्यों ना आज बाइक का सॉफ्टवेयर अपडेट कर ही दें। सही है ना, हमारे साथ एक्सपर्ट अब्दुल्ला जा रहा है आज बाइक सही कराने। तो बाइक का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद हमने एक और जगह पर भी जाना है और वो है डेंटिस्ट के पास, क्योंकि मेरा एक दांत पिछले काफी टाइम से दुख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ आज उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करा ही दें, उसको भी निकाल ही दें। तो बस बाइक देखते हैं, सही कराते हैं, फिर चलते हैं। इसके अलावा ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ, और ये सीट नहीं है, ये भी बड़ी खराब हुई है, लूज हुई है। अभी यही चेक कर लें, अगर तो यही सही होती है तो ठीक है, वरना चेंज कर लें। ठीक है, अभी हम पहुंच तो गए और बाइक में अब्दुल्ला बाइक में मत ले पहुंचे, तुम्हारा बाइक है क्या था? बस देखते हैं अभी सही कराते हैं। वैसे मेरा दिल तो नहीं था आज बाइक सही कराने पे, क्योंकि मेरा दांत बहुत ज्यादा दुख रहा था। हाँ ये कर लो पहले। हाँ मुझे तो ये सही लग रही है यार। अब हम आज आ ही गए हैं तो मैंने कहा क्यों ना लगे आ तो पूरी बाइक की सही करा लें। सही है, ठीक है, सारी ट्रांसफॉर्म कर लें। अभी आप इसके हालात देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर घर में खड़ी रहती है, सिर्फ मैं जिम के लिए निकालता हूँ या कोई थोड़ा बहुत काम हो। अब्दुल्ला भाई चलाते नहीं है, सिर्फ मशवरा देते हैं। बाइक तो सही हो ही रही थी, अभी यहाँ पर रोड रेज शुरू हो चुकी है। अच्छा बाइक तो हमने सही करा ली है, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं तोतों के लिए कौन से, क्योंकि काफ़ी दिन हुआ है मैंने तोतों को कौन से डाले, तो आज ना क्यों बोले पाए। सर आप इस अंकल को मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर हमारे घर के पास ही सट्टे बेचते हैं, बचपन से मैं इनको देख रहा हूँ। अभी हम घर तो पहुँच गए हैं बाइक सही करा के। अभी अब तुम्हारा काम है बाइक फुल धो दो, सही है, और मैं जाता हूँ तोतों को कौन से डालता हूँ जो हम लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने कहा था, अभी देखे अभी जैसे भी हम आते हैं ना, ये उतना ज्यादा पैनिक नहीं कर रहे जितना पहले करते थे। पहले तो जैसे ही हम कमरे में घुसते थे बस बिल्कुल ये है ना एकदम डर जाते थे, लेकिन अभी थोड़े से रिलैक्स्ड हैं। बाइक सही कराकर तो हम घर आ गए थे, एंड नाउ इट्स टाइम कि हम डेंटिस्ट के पास जाएं। वैसे मेरा प्लान बीच में कैंसिल हो गया था क्योंकि दर्द सही हो गया था, बट जैसे ही मैंने घर आकर खाना खाया अभी दोबारा से दुखने शुरू हो गए हैं। तो बस अभी चलते हैं डेंटिस्ट के पास और फिर देखते हैं क्या सीन है। मुझे तो लग रहा है निकालना पड़ेगा। ऑल्सो वहाँ से आने के बाद आज हम कोई दूसरा जिम भी देखने जाएंगे, बिकॉज मैं जिम चेंज करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि जिस जिम में पहले जाता हूँ वो एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जिम को चेंज कर लें। तो आज मैं अब्दुल्ला के साथ जाऊँगा जिस जिम वो जाता है, तो अगर अच्छा लगा तो मैं वहाँ स्विच कर लूँगा। तो घर से निकलने के बाद तो मैं आ गया था ऑफिस, क्योंकि 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। सो इस पॉइंट पर आकर मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी और मेरे दांत में इतना दर्द भी नहीं रहा था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। सो वी डिसाइडेड कि मैं आज डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा और कल दिन के टाइम आऊंगा। डेंटिस्ट के पास जाने वाला जो हमारा सीन था वो कैंसिल हो गया है। बुरा लगता है भाई आप लोग। अभी मेरा दांत नहीं दुख रहा, अगर दोबारा से दुखा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अभी हो गया जिम का टाइम और मैं पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज्यादा हो गया जिम नहीं गया, क्योंकि मैं जो सैटरडे वाले दिन गया था जो मैं और सलान गए थे वो हमने कोई एक्सरसाइज की नहीं थी, जस्ट वार्म अप किया था और वापस आ गए थे। तो आज मैंने जिम भी जाना है और ऑल्सो मैं क्योंकि जिम चेंज कर रहा हूँ, कुछ स्विच करने का सोच रहा हूँ जिम, तो आज हम लोग हो सकते हैं किसी डिफरेंट जिम जाएं या कल किसी डिफरेंट जिम जाएं, जो उन सभी जिम हमें पसंद है हम वहाँ स्विच कर लेंगे। रेडी तो मैं हो गया हूँ और अभी सलान भी आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि मैं पूरा दिन वहाँ पर था बाइक सही कराने गए हुए थे तो मैंने कुछ खास खाया हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से पहले हम कोई प्री वर्कआउट मील बनाते हैं, वो खाते हैं और फिर चलते हैं। अच्छा एक चीज़ मैंने नोट की, आप लोग मुझे बताएंगे ये कोई नई कंपनी आई है या मैं गलत हो रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि हमने बाइक की सीट चेंज कराई है, तो ये पता नहीं कौन सी कोई नई कंपनी है। होंडा सुना था, ये होनीडा कंपनी पता नहीं कोई कौन सी आई है, उस कंपनी के बाइक ने सीट लगाई है। तो अभी आप लोग बताएंगे कोई नई कंपनी खुली है या अब्दुल्ला तुमने बताया भी नहीं यार नई कंपनी खुली हुई है। अभी तक नहीं देखा हमने, अब्दुल्ला ने भी नहीं देखा था। तो खैर अच्छा अब्दुल्ला, अच्छा अब्दुल्ला इधर आओ,
जरा, क्योंकि अब्दुल्ला भी जिम जाता है, एक सजेशन दो सबसे अच्छी प्री वर्कआउट मील कौन सी होगी आज की, क्योंकि मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है। खा शॉर्ट में तुम्हें कहता हूँ बस ये चॉकलेट लेकर खा ले, चॉकलेट तुम्हारे लिए ठीक होगा। ये नहीं भाई, ये क्या कर रहे है यार तू, मतलब मजाक है क्या? चॉकलेट हाँ ना भाई ठीक है। हाँ ये अब्दुल्ला की ये बात करो मेरा, तुम चेक कराओ देखो भाई दूर से तुम्हें नजर आ जाएगा। Wow, very dangerous! सबर में वो लेके आता हूँ, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आता हूँ, फिर बाद में चेक करूंगा। तो खैर ये बात तो सच है वैसे किसी हद तक कि चॉकलेट खाने से जो है एनर्जी आती है, लेकिन अभी कुछ अच्छा सा प्री वर्कआउट नहीं बनाते हैं, कोई स्मूदी बनाते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि सदान को आने में भी टाइम लगेगा। अच्छा अभी अब्दुल्ला से तो हमने मशवरा ले लिया है और किसी हद तक उसका मशवरा सही भी था, लेकिन अभी हम पूछेंगे अपने एक्सपर्ट नंबर टू से हमें दही। ओ अमित भाई अपने छोटे दोस्त के साथ लगे हैं, इधर आ जाए अमित भाई। मैं ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद जिम जा रहा हूँ, बेस्ट प्री वर्कआउट क्या होगा? दो केले हाँ ये अच्छा हो सकता है अभी के लिए, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है, डाइजेस्ट होने में मिला परफेक्ट टाइम लगेगा। अच्छा ये तो हो गया प्री वर्कआउट कर सीख है, दो केले हम खा रहे हैं, लेकिन इसको देखें आप ज़रा उस दिन हमारे साथ किस तरह, अभी मेरे हाथ पे ये ज़रा मेरे हाथ पे बैठाएं वो, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है उस्ताद आदमी उस दिन हमारे साथ बैठ रहा ही नहीं था, जबकि इसको सारा जो स्वीट्स वगैरह वो मैं ही डालता हूँ या हबीब डालता है, लेकिन फिर भी हमारे आते नहीं बैठता, सिर्फ हामिद भाई के पास ही जाएगा। ओके सो इस पॉइंट पर मैं माइक ऑन करना भूल गया था, पता नहीं क्यों खुद ही से म्यूट हो गया था, बट यहाँ भी हम पहुँच गए थे केले खाने, और इधर मेरा और सनान का ये डिबेट चल रहा था कि हम लोग कौन से जिम जा रहे हैं, क्योंकि सनान कह रहा था कि हम उसी जिम जाएंगे जहाँ पर हम पहले जाते थे, बट मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था चेंज करते हैं। खैर ये थोड़ी देर डिबेट करने के बाद हमारे बीच में ये डिसाइड हुआ कि हम उसी जिम जा रहे हैं जहाँ पर सनान कह रहे हैं जहाँ हम पहले जाते थे। अच्छा बड़ी देर की बहस के बाद फाइनली सनान ने मुझे कन्विंस कर लिया कि हम उसी जिम जा रहे हैं जहाँ पहले जाते थे। अच्छा वैसे डिबेट तो सनान जीत गया था कि हम कौन से जिम जाएंगे, लेकिन मैंने सनान को कन्विंस कर लिया है अभी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हम लोग आ गए हैं कौन जिम। मैं पहले आता था पिछले साल जब मैंने जिम स्टार्ट किया था ना, बिगिनर था जब। अच्छा तो जिम आने का डिबेट मैं जीत गया था, मैं सनान को अपने पसंद की जिम ले आया। सनान जिम कैसे है? जिम तो बहुत जबरदस्त है भाई। अच्छा डन हो गया, पसंद आया है? वैसे ही तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे। सनान जब पहली दफा जिम आया था सनान एक पुशअप भी नहीं कर सक रहा था, लेकिन अभी कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। वैसे एक बात बताओ, मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। सनान उस दिन हमसे खफा भी हो गया था, मैंने बताया भी था आपको, लेकिन फिर सनान तो मेरा भाई है ना छोटा, तुम लाओ एक फोन मिलाने पे सनान मेरे घर के बाहर खड़ा हो। और आज हम लोग बस मिक्स लगाएंगे वार्म अप करना है खाली, और फिर कल से सही जिम करेंगे आप मिक्स। वो तो क्या यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सही लगेगा, और जल्दी जल्दी मैं पानी लाना भी साथ भूल गया हूँ, तो अभी हालत टाइट हो रही है। वैसे अच्छा एक्सरसाइज तो हमारी ऑलमोस्ट आदि होगी, यहाँ से ना आज जिम करने का मजा आ रहा है। ये क्या उठाने की कोशिश कर रहे हैं? मरना तेरे को डर नहीं लगता? गिरना गिर, फिर चैलेंज दे दिया था तुमने, अभी मकड़ो। सनान ने आज फिर हमें चैलेंज दे दिया, मैं एडवांस में कह रहा हूँ मैं भी ये चैलेंज फेल करने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बहुत नाजुक सूरत हाल है, बहुत हैवी हो गया था।
अच्छा पूरी एक्सरसाइज तो हमारी ख़त्म हो गई है, बस अभी आखिरी वेरिएशन है वो सुनार लगा रहे, जैसे ये लगाते हैं निकलते हैं। मेरा दिल चाह रहा है आज कुछ बाहर से आके खा लिया जाए, तो देखते हैं सनान कैसी है, बाहर जाते हैं कुछ खाने, देखते हैं अभी घर चलो। अभी बस सनान की बस हो गई आज, ऑब्वियसली इतने दिन के बाद आया। खौसा जी इंशाल्लाह। खैर उस टाइम जिम से तो हम आ गए थे, एंड डेट वॉज फॉर टूडेज ब्लॉग। होप यू गाइज लाइक इट, इफ यू डिड मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। विल कैच यू गाइज इन अ न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।